नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा के तीसरे चरण के लिए आज अररिया के फारबिसगंज में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बिहार की जनता की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना से जहां दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं बिहार के लोग बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां शहरों की सड़कें देर रात तक भी आबाद रहती हैं। आज बिहार अराजकता को पीछे छोड़ चुका है। जनधन योजना के कारण लाखों बैंक खातों में सैकड़ों करोड़ रुपए जमा हो पाए हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोला था कि गरीबी हटाएंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन एक भी काम नहीं किया। आज कांग्रेस के पास लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 100 सांसद भी नहीं है। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई दहशतगर्दी की घटना की पीएम मोदी ने कड़ी निंदा की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि वियना में इस घटना से गहरा सदमा और दुख पहुंचा है। इस दुखद समय में भारत ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 नवंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि गृहमंत्री अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बंगाल में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को ठीक करने पर ध्यान देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों द्वारा कर्जदारों से ब्याज पर ब्याज की वसूली पर रोक का आग्रह करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 5 नवंबर तक टाल दी है। बता दें कि RBI ने कोरोना के मद्देनजर ऋण की किस्तों के भुगतान पर रोक की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, जिस पर बैंकों ने ब्याज पर ब्याज वसूला है। लद्दाख पर तनाव के बीच भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से साथ वार्ता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेजा जाए और वो चीन से पीछे हटने को कहें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। भारत ने कहा है कि पड़ोसी देश सीमा पार दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए कोरोना महामारी का फायदा उठा रहा है, साथ ही घृणा पैदा करने वाले भाषणों का बेलगाम इस्तेमाल कर रहा है। भारत के सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे इस हफ्ते नेपाल के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारने पर बल दिया जाएगा। दौरे पर सेना प्रमुख को द जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी की मानद रैंक देकर सम्मानित किया जाएगा। झारखंड की दुमका और बेरमो विधानसभा सीट पर उपचुनावों के लिए दोपहर 1 बजे तक 46.47% मतदान हुआ। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मतदाताओं के बीच 6-6 फीट की दूरी रखी गई। अनेक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी रही। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 94 विधानसभा क्षेत्रों में दोपहर 3 बजे तक 40.43% मतदान हुआ। दूसरे चरण के मतदान में कुल 1463 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 146 महिला तथा एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल है। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को दोपहर 3 बजे तक औसतन 41% मतदान हुआ। टुंडला में कुछ स्थानों पर मतदाताओं ने विकास कार्य न होने की शिकायत करते हुए मतदान का बहिष्कार किया। इस दौरान उन्होंने विकास नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अपराह्न 3 बजे तक 56.79% मतदान हुआ है। चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदान का अंतिम घंटा कोरोना वायरस के मरीजों तथा कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों के लिए निर्धारित किया गया है। हरियाणा की बड़ौदा उपचुनाव के लिए अपराह्न 3 बजे तक 46.23% मतदान हुआ। इस बीच कांग्रेस ने हिस्ट्री सीटर रमेश लोहार और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दी है। दोनों पर बूथ में अवैध तरीके से घुसकर मतदान प्रभावित करने का आरोप लगाया है। बिहार में भाजपा विधायक और बैकुंठपुर के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी पर जानलेवा हमला हुआ है। इसमें विधायक बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। मिथिलेश ने JDU के बागी प्रत्याशी मंजीत सिंह पर हमले का आरोप लगाया है। बिहार चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार जारी है। इसी क्रम में CM नीतीश ने मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान CM पर प्याज और पत्थर का टुकड़ा फेंका गया। शख्स ने कहा कि राज्य में शराब खुलेआम बिक रही है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कटिहार में चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने कोरोना से लड़ाई के लिए पहले घंटी बजाई और फिर फोन की लाइट लगवाई, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं लिया। पैदल जा रहे लाखों मजदूरों की मदद नहीं की। बिहार चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के बीच चिराग पासवान ने CM नीतीश पर निशाना साधा है। चिराग ने कहा कि वो लिखित में दे सकते हैं कि 10 नवंबर के बाद नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इसके बाद फिर कभी मुख्यमंत्री बन भी नहीं पाएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार चुनाव पर बड़ा दावा किया है। शत्रुघ्न ने कहा कि बिहार में बदलाव की लहर है, इस बार बिहार में जनता सरकार को बदल रही है। बता दें कि सिन्हा का बेटा लव बाकीपुर से कांग्रेस का प्रत्याशी है। इसी इलाके से सिन्हा 2 बार सांसद रह चुके हैं। तेजस्वी यादव की चुनावी हलफनामे को लेकर निर्वाचन विभाग से शिकायत की गई है। JDU नेता और बिहार के मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी ने चुनावी हलफनामे में फुलवरिया और सरायकेला में जमीन का ब्यौरा नहीं दिया है। उन्होंने इन तथ्यों को चुनाव आयोग से छिपाया है।
दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रांस की सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। फ्रांस ने मिराज फाइटर जेट और ड्रोन्स के जरिए माली में एयर स्ट्राइक कर अलकायदा के 50 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। हमले में दहशतगर्दों की 30 मोटरसाइकिलें भी नष्ट हो गई। अनिल अंबानी करीब 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज उतारने के लिए रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। इसके लिए अंबानी ने बोलियां आमंत्रित की हैं। इसमें रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस शामिल है। जयपुर के दो नगर निगम जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज के लिए मतगणना जारी है। हेरिटेज निगम में अब कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा है। अब यहां तक हुई गिनती में कांग्रेस के 45 और भाजपा के 40 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। उबर कंपनी अब दिल्ली में यात्रियों को ई रिक्शा से भी यात्रा कराएगी। कंपनी ने दिल्ली में अपने मंच से 100 ई रिक्शा जोड़े हैं। उबर ने बताया कि इन वाहनों को दिल्ली के 26 मेट्रो स्टेशनों पर लगाया गया है। दिल्ली उबर ई रिक्शा की सेवा देने वाला पहला शहर बन गया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी की, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अधिकारियों ने बताया कि भारत को गोलीबारी में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के उत्पादों को देश में नई पहचान दी है। अब उत्तराखंड के सेब और अखरोट जैसे उत्पादों को होली हिमालय नाम के ब्रांड से जाना जाएगा। सीएम ने कहा है कि अब सभी उत्पाद इस ब्रांड के नाम से राज्य से बाहर जाएंगे। अयोध्या में दीपावली पर होने वाले दीपोत्सव में कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इस दौरान पंचकोसी परिक्रमा में अयोध्या के बाहर से आने वाले लोगों पर प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि राम की पैड़ी पर 5.5 लाख दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम है। लवजियात पर कानून बनाने के लिए केंद्र समेत 4 सरकारों के नाम चर्चा में हैं। सबसे पहले यूपी सीएम ने लवजियात पर कानून बनाने का ऐलान किया। इसके बाद हरियाणा सीएम खट्टर और एमपी के सीएम शिवराज ने भी कानून बनाने की घोषणा कर दी है। सुशांत केस में मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें पुलिस ने सुशांत की बहन प्रियंका और मीतू की याचिका खारिज करने की मांग की है। पुलिस ने आशंका जताई है कि जो दवाएं सुशांत को दी जाती थीं, शायद उन्हीं से उनकी मानसिक हालत बिगड़ी है। मुंबई पुलिस ने राजद्रोह केस में अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को दूसरा समन जारी किया है। पुलिस ने कहा कि 10 नवंबर तक दोनों को बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश होना है। पुलिस दोनों बहनों से भड़काऊ बयान देने के मामले में पूछताछ करेगी। देश के पहले परमवीर चक्र विजेता और हिमाचल के वीर सपूत सोमनाथ शर्मा को सीएम जयराम ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने कहा कि मेजर सोमनाथ शर्मा को हिमाचल ही नहीं पूरा देश याद कर रहा है। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। रायबरेली से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने पार्टी पर हमला बोला है। अदिति ने कहा कि कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी ने बच्चियों की पढ़ाई कराने के नाम पर करोड़ों की जमीन ली थी, लेकिन अब इसे बेचने की तैयारी में है। केंद्र ने खालिस्तान समर्थक संगठनों पर कार्रवाई करने का ऐलान किया है। केंद्र ने इनसे जुड़ी 12 वेबसाइटों को प्रतिबंधित करने की घोषणा की है। इन वेबसाइटों को गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस चला रहा था। इन पर खालिस्तान समर्थक सामग्री मौजूद थी। असम सरकार ने स्कूलों को ऑड इवन की तर्ज पर खोलना शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग ने बताया कि कक्षा 6, 8 और 12 के छात्रों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को स्कूल बुलाया जाएगा, जबकि बाकी 3 दिन कक्षा 7, 9 और 11 के छात्र पढ़ने आएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर परीक्षा स्थगित कर दी है। ये परीक्षा 12 से 13 दिसंबर 2020 को होनी थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा निरस्त करने के पीछे का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। बता दें कि ये परीक्षाएं ऑफलाइन होनी थी। महाराष्ट्र के भाजपा विधायक मन्नू पवार ने अमिताभ बच्चन के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। पवार ने कहा है कि कौन बनेगा करोड़पति के एक शो के दौरान मनु स्मृति और डॉक्टर अंबेडकर को लेकर पूछे गए सवाल ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। हिमाचल में बहुचर्चित फर्जी डिग्री मामले में मानव भारती यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। सरकार के निर्देश पर SIT ने जांच तेज कर दी है। हालांकि इसमें 164 लोगों की गवाही हो चुकी है। बता दें कि यूनिवर्सिटी की 90 डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं। केंद्र ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए प्रोसेसिंग फीस खत्म कर दी है। अब सिर्फ किसानों को राजस्व का रिकॉर्ड आधार, पैन, फोटो और एफिडेविट देना होगा। बता दें कि अब तक कार्ड के लिए 2 से 5 हजार रुपए तक प्रोसेसिंग फीस लगती थी। पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के मामले में घिरे फ्रांस के समर्थन में शिवसेना आ गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बयान को सही बताया है। साथ ही आतंकवाद से लड़ने वाले हर देश और व्यक्ति का समर्थन देने का वादा किया है। जेडीयू विधायक नरेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी आचार संहिता के उल्लंघन मामले में की है। पुलिस का कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड पुलिस को कोयला तस्करी मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। धनबाद पुलिस ने बंगाल के कई डिपो से आने वाले अवैध कोयला से लोड ट्रक पकड़े हैं। इन ट्रकों को GT रोड के रास्ते UP और बिहार भेजा जा रहा था। वहीं पुलिस ने छापेमारी भी कर दी है।
लखनऊ के प्रसिद्ध लामार्टिनियर स्कूल के कैंपस में छात्र की जान जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि 9वीं के छात्र राहुल श्रीधर मामले में SIT गठित कर इसकी जाँच की स्टेटस रिपोर्ट 8 हफ्ते में सौंपे। हरियाणा सरकार ने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोलने का फैसला किया है। सीएम खट्टर ने कहा है कि सभी सरकारी गैर सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी 16 नवंबर से खोले जाएंगे। हालांकि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। बिजनौर DM ने प्राथमिक विद्यालय में आयोजित विशेष टीकाकरण कैंप का उद्घाटन किया। DM ने आशा बहुओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस कार्य में सहयोग करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बच्चों का 100% टीकाकरण होना हो चाहिए। रोहतास पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपियों ने रिटायर अधिकारी के खाते से 40 लाख रुपए उड़ा दिए थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 साइबर अपराधियों को धर दबोचा। बाराबंकी के किसान नेता आशू चौधरी ने नर्वदेश्वर कॉलेज के LLB छात्र छात्राओं के साथ हो रहे नाइंसाफी को लेकर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्या का कॉलेज प्रशासन जल्द समाधान करे। वहीं छात्र छात्राओं का आरोप है कि 10,000 रुपए की मांग की गई, जिन बच्चों ने ये पैसा नहीं दिया उन्हें फेल कर दिया गया। रामपुर कलेक्ट्रेट पर किसानों ने रात भर डेरा लारे रखा। किसान हुक्का पानी लेकर धरने पर बैठे रहे। किसानों ने गन्ने के बकाए भुगतान करने की मांग की है। किसानों ने कहा कि धान खरीद में धांधली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही किसानों ने कृषि कानूनों का भी विरोध किया। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। यहां कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून किसान विरोधी हैं। उनके विरोध में सभी जिलों में किसान धरना देंगे। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज सरफराज नवाज ने PM इमरान खान पर बड़ा दावा किया है। सरफराज ने कहा है कि इमरान कोकीन का सेवन करते थे। जब वो और इमरान एक साथ खेलते थे तब उनको कोकीन का इस्तेमाल करते हुए कई बार देखा था। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर शेन वाटसन ने IPL में चेन्नई के बाहर होने के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। बता दें कि वाटसन ने 2016 में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। उन्होंने पिछले साल ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश से संन्यास लिया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।